मैं काला हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं। जी हाँ, ये उस एक्टर का कहना है जिसे 2012 से पहले कोई जानता तक नहीं था। हम बात कर रहे हैं अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाले नवाज की। फिल्म बदलापुर में सीरियस रोल निभाना हो या फिर बजरंगी भाईजान में एक सिंपल रोल, नवाज हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ये तो सभी जानते हैं, और इस इंडस्ट्री में रंग भेद जैसी चीजें भी मौजूद है जो एक्टर्स को कॉन्शियस कर देती है। हाल ही में नवाज ने इस मुद्दे पर बोलते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं किसी गोरे और हैंडसम के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काला हूँ और मैं दिखने में भी अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी उन चीजों पर खास ध्यान नहीं दिया। वैसे नवाजुद्दीन का ये ट्वीट उन सबके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जिन्होंने उनके लुक्स देखते हुए कभी उन्हें काम देने से इनकार कर दिया था। नवाज की जितनी तारीफ करे उतनी ही कम होगी, ये वो एक्टर है जो अपने दम पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वैसे आपको बता दें, ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज की अपकमिंग फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के डायरेक्टर ने फिल्म की कास्टिंग करते हुए ध्यान रखा है कि नवाज के साथ वो किसे कास्ट करेंगे, जिसके चलते नवाज ने ये ट्वीट किया है। वेल, नवाज की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज जल्द रिलीज होने वाली है, ऐसे में क्या कास्टिंग डायरेक्टर के ऐसे बयान का फिल्म के प्रमोशन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको बता दें कि नवाज हाल ही में फिल्म मॉम में नजर आए थे। इसके अलावा वो टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म मुन्ना माइकल में नजर आने वाले हैं।